कैसे हैं आप? मैं आरती आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत से स्वागत करती हूँ। और अभी करीब शाम हो रही है, जो कि मेरा आज ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हुआ। सुबह से कोई भी अपना ब्लॉग नहीं बनाया था, मैंने सोचा कि आप लोग मेरी सारी फैमिली से तो मिल ही चुके हैं, मैं आज आप लोगों को जो छोटे देवर से था और भी मेरी जो फैमिली है उनसे ही मिलवा दूँगी। तो चलो आज मिलवाती हूँ। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को अपने बेटे का एल्बम शेयर कर रही हूँ, ये वाला, जो कि मैं अच्छे से बताऊँगी। इसमें मेरे देवर की भी, अपने हस्बैंड की फ़ोटो दिखाऊँगी कि वो पहले कितने स्मार्ट थे, कितने अच्छे लगते थे, अभी भी मेरे लिए तो हैं क्या। और ये जो एल्बम मैं आपको दिखा रही हूँ वो देबू जब 1 साल का था तब का है। तो चलिए आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, इसमें से आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। तो चलो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और जल्दी से फटाफट से वीडियो बताती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए देबू ना, सबसे पहले छोटे में ऐसा ही दिखता था जब वो 1 साल का था, और जब मैं यूट्यूब में भी नहीं थी, ना ही मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, सब कुछ मज़े से चल रहा था, अच्छी लाइफ थी, मैं आपको बताऊँगी। और देखिए देबू गोलू मोलू सा है ना, और ये हम दोनों हैं, मेरे हस्बैंड है, देबू है, और ये मैं हूँ। आराम आराम से आप लोगों को दिख, देबू ही जब ये 1 साल का था, पहला बर्थडे हुआ था बट लॉकडाउन था। और ये देखिए ये मेरे पापा जी हैं, ये मैं हूँ, और ये मेरे हस्बैंड है। तो देखिए है ना अच्छे खासे, मतलब कुछ भी ऐसे नहीं थे ये। और ये तो आप जानते ही, ये मेरी सासू माँ है ना, ये देबू है, और ये देखिए ये है देबू। तो मतलब काफ़ी अच्छे से हमारी लाइफ चल रही थी, बट क्या बताएं। और आप मेरी मेरी ये नंद है, आप इनको तो देख ही लिया होगा, और ये मैं हूँ। और पता है मतलब कि काफ़ी लोग हैं जो जिनकी मैंने आप लोगों को पिक की इमोज लगा दी है, क्योंकि अगर वो वीडियो देखते होंगे तो कहीं कुछ बोले ना इस वजह से कि हमारी बिना अनुमति की वीडियो दिखाई जा रही है। ये देखिए, और पता है आप लोगों को जिस दिन बर्थडे हो रहा था ना, उस दिन बहुत कम लोग आए थे, कोई नहीं आया था हमारे, क्योंकि 2019 में तो देबू हुआ था, 2020 के जून में लॉकडाउन बहुत तेज़ी वाला लगा हुआ था। ये देखिए, और ये देखिए कितनी प्यारी स्माइल है उनके चेहरे में, बहुत खुश थे हम इस बर्थडे से। फिर उसके 3-4 महीने बाद ये इंसिडेंट हो गया था कि इनके साथ, हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, वरना हमें कुछ नहीं। और ये जो पिंक साड़ी में है, मैं आपको दिखाई हूँ, वो मेरी जेठानी है, मतलब रिलेटेड में ही लगती हैं, तो उनकी भी पिक थी। ये देखिए उनकी भी छोटी बेटी है, मेरे देबू के साथ की थी। ये तो आप इनसे मिल ही चुके होंगे, ये मेरे सबसे छोटे वाले भैया हैं, और ये मेरे हस्बैंड हैं। ये करीब 2019 की, 2019 में तो देबू हुआ ही था, 2020 की है, और एक ये केक है। केक में नाम नहीं लिखवाना चाहिए, मतलब जिस नाम से रहता उसने, क्योंकि अपना नाम लिखवा के काटना नहीं चाहिए। तो लड्डू लड्डू इसको बचपन में बोलते थे, तो मैंने लड्डू ही लिखवाया था, वरना फिर केक कट हो जाता। और ये पता है आपको, जो हमारी शादी हुई थी ना, करीब शुरू से ही हुए थे, मार्च में शादी हुई थी हमारी, और पहला मेरा ही तीज व्रत पड़ा था, तब की ये फ़ोटो है मेरी, हमने स्टूडियो में जाके खिंचवाई थी। अच्छा।
मोमोज को लेकर ट्राई कर रहे हैं और फोन उन्होंने पकड़ा है क्योंकि बोर्ड ट्राइपॉड भी मेरा टूट चुका है, देवू ने तोड़ दिया है। और ये देखिए एक मोमोज बनाया हुआ है, अभी आपको बैक कैमरे से ही बताऊंगी। और ये आटे के हैं, सिंपल सी लोई के ही मैंने खाना बना के फ्री हुई। और बंदा की सब्जी आज बनाई है, मोमोज बना के खिलाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करेंगे एक दो दिन, कभी ट्राई करेंगे। बट मैंने सोचा कि पहले एक दो तो ट्राई कर लूँ। सिर्फ चार पांच लोई का और ये बंधा की सब्जी है, ये बन चुकी है मेरी ये बंधा की सब्जी, तो वही स्टफिंग भर रही हूँ, कुछ खास नहीं। तो इसको पोटली बना रही हूँ, ये देखो इसकी पोटली। ये अभी सिर्फ ट्राई कर रही हूँ मैं, ये इसमें स्टफिंग भरी, ये इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे। ये इतनी बड़ी का मैं बेल ली थी, मैंने बेल के रख लिया था पहले से। और इसमें फिर से मैं स्टफिंग भरूंगी, इसको यूं पकड़ा, यूं पकड़ के भी कर सकते हैं, यूं यूं पकड़ के। और ये देखिए मैंने ना फिर इस पे, सॉरी इस पे रख दिए थे। वाओ कितना सुंदर कलर आया है ना, गोल्डन गोल्डन। आप भी देख लीजिए ये पूरे तरीके से सिक चुके हैं, ये देखिए, ये है, ये देखिए। और अब ये तो ये जल रहे हैं तो मैं इनको बंद कर देती हूँ। और एक प्लेट में डाल लेती हूँ, ये देखो लोग भाप में वो कर रहे थे, पानी वाले ना, तो इडली के सांचे में करते हैं इडली के। और ये मैंने बनाए हैं अप्पे में, देखिए कितने प्यारे बन के, सुंदर तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं पर जल भी गए हैं ना, बट ठीक है इनको बहुत मन था तो खाने के लिए तो हो गया। और ये बाय द वे आटे की भी है ना, इस वजह से चलो मैं खाती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ कैसे। चलो मैं खाती हूँ, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। ऐसे बनते हैं, मैंने तो कभी नहीं खाई। हाँ यूट्यूब में जरूर देखी मोमोज कैसे रहते हैं, मैं खाई होंगी पहले, हालांकि ठीक बने मुझे नहीं पता, पहली बार टेस्ट तो अच्छा ही है। देखिए भाप निकल रही है, अब मैं खा लूँ फिर मिलती हूँ। मोमोज तो खा ली, मोमोज क्या हमने खाना भी खा लिए। और आज मैंने एल्बम शेयर किया है, हाँ वही वाला आज, इसमें तुम बहुत खुश थे, अच्छा था ना, पुरानी बातें क्या, पुरानी बातें। और सबसे ज़्यादा मतलब वही एक हमारा था कि जो हमने अच्छे अपने उससे किए थे और अच्छी खासी मतलब सेलिब्रेशन किया था, खुश थे बहुत ज़्यादा, है ना। उसके बाद से फिर कब बीमार हो गए थे, 2020 में ये हुआ था, और फिर उसके बाद 2020 के ही सितंबर में तबीयत खराब हुई थी, अक्टूबर से ये सब स्टार्ट हो गया था। तो वो तो हमारे लिए आप समझ लीजिए 2020-2021 बहुत भयंकर वाला था हमारे लिए, क्यों 2020 जो लास्ट का था यही सब था कि बहुत उस चीज को भी याद करते हैं। तो आप ऐसी आत्मा कहाँ उठती है, अभी भी हम लोग बात ही कर रहे थे, ये बात तो खड़ के आती है, तो कभी भूल नहीं सकती क्योंकि मैं। और चलो आज का यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब, अगर चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। और अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग लेकर। और अगर आप मेरा
मतलब शादी का एल्बम देखना चाहते हैं, शायद मैंने आप लोगों से एल्बम शेयर नहीं किया, तो हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट ब्लॉग वही वाला लेकर आऊँगी। अब मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।